योजनाओं के अंतर्गत निर्माण कार्य होना और लोगों को रोजगार मिलना। विकास के अंतर्गत ये दो पहलू बहुत ही आवश्यक हैं। आज खबर बताने वाले हैं मध्य प्रदेश के जिला सिवनी से, जहां बरघाट जनपद अध्यक्ष जितेंद्र आभा रागडाले ने ग्राम पंचायत माने गांव कला में स्वल्पाहार पर चर्चा कर श्रमिकों से आत्मीय भेंट करी है। सरपंच और अध्यक्ष ने भी श्रमदान किया है। इस पूरे आयोजन को लेकर आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। ग्राम पंचायत माने गांव कला में हो रहे कार्यों की जनपद अध्यक्ष ने सराहना करी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत माने गांव में मनरेगा के तहत 8 लाख की लागत से सर्कुलेशन टैंक पानी स्टोर करने का कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसमें लगभग 150 मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है, जो एक रोजगार का भी बढ़िया उदाहरण है। सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंच रही हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। गांव का मजदूर बाहर ना जाए और गांव में रहकर मजदूरी करे, रोजगार का एक अच्छा उदाहरण है। आपको बता दें ग्राम पंचायत के पंच लोग भी सामने से आकर कार्य कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी भी दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे अपने संवाददाता संजय काणे से। देखिए ग्राउंड जीरो से यह विशेष रिपोर्ट। जनपद अध्यक्ष जी पहुंची हुई हैं और यहाँ परकुलेशन टैंक पानी का स्टोर किया जाएगा और श्रमदान भी कर रहे हैं सरपंच। हम श्रमदान में वीडियो हमारे सरपंच यहाँ के सरपंच साहब है। क्या नाम आपका? राजेंद्र बिसेन। बिसेन जी, तो आप यहाँ पर श्रमदान कर रहा हूँ मैं, ये श्रमदान करने पहुँचे माने गाँव ग्राम पंचायत, जनपद अध्यक्ष हैं आप और यहाँ पर आप भी यहाँ श्रमदान करने पहुँचे, क्या कहेंगे? मुझे ये बहुत सौभाग्य का विषय है कि मैं ये इस श्रमदान के कार्य अपना योगदान दे रही हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सभी के साथ कार्य करके। ये मेरा जनपद क्षेत्र है मानेगा, पॉपुलेशन टैंक कार्य चल रहा था तो मैंने यहाँ पे अपना श्रमदान दे। मानेगा ग्राम पंचायत सरपंच राजेंद्र की यहाँ पर पॉपुलेशन टैंक का मनरेगा के तहत जो काम चल रहा है पानी को डंप किया जाए, कितने मजदूर काम कर रहे हैं आपके यहाँ? यहाँ 150 कर रहे हैं। तो कितने दिन से काम चालू किया आप? 2 महीने। कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ स्वल्पाहार का आयोजन किया गया था, जनपद अध्यक्ष भी पहुँची हैं। आप रामडाले जितेंद्र आप? नहीं, बहुत सौभाग्य है हमारा, जनपद अध्यक्ष पहुँचे हैं और ऐसे छोटी जन चर्चा हुई है स्वल्पाहार में, अभी सुने हैं। और अभी अच्छी एक खुशखबरी आई है कि हमारे जो माने गाँव में देव महादेव में 10 लाख का उनके तरफ से राशि की घोषणा भी हुई है, जो 10 लाख मिल रहा है। कुंड का कार्यक्रम हो रहा है, जो परतापुर में मुंडन संस्कार होते थे वो अपने यहाँ पे माने गांव कला की पहाड़ी में होंगे। मुंडन संस्कार के लिए भी सेट मिल चुका है कि बधाई के पात्र हैं, भारत माता की। जनपद अध्यक्ष जितेंद्र आवार, आप लोग यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है माने गाँव में, इस वक्त हम भी आप भी हैं, आप यहाँ निरीक्षण में पहुँचे, किस लिए पहुँचे थे आप? यहाँ निरीक्षण कर लें, ये मनरेगा के अंतर्गत पॉपुलेशन टैंक का कार्य जो चल रहा है वहाँ पर आए हुए मजदूरों की समस्याओं को सुनने में पहुँची थी और एक छोटा सा कार्यक्रम स्वल्पाहार पे चर्चा, इसलिए मैं यहाँ पहुँची, उन्होंने मुझे बताई। और ये बहुत ही सुनहरा मौका था मेरे लिए कि हम आपस में बैठे, कुछ चर्चाएं हुई, उनकी जो समस्याएं थी वो उन्होंने मुझे बताई। 150 मजदूर काम कर रहे हैं? क्या मजदूर काम कर रहे हैं, कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। रोजगार मिला मजदूरों को? मजदूरों को रोजगार मिला और यहाँ पे कार्य करके मजदूर भी बहुत खुश हैं, इसलिए मैं यहाँ के सरपंच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। पंच भी यहाँ से क्या कहेंगे, मनरेगा के तहत काम निकला है और मजदूरों को रोजगार? यहाँ पर सब मजदूर बहुत खुश हैं और हर मतलब मजदूर ये चाहता है कि हमें अच्छे से अच्छी रोजगार मिले जी। तो मशीन से काम तो नहीं हो रहा है यहाँ पर? नहीं नहीं जी। 150 मजदूर काम किया, बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव का मजदूर कम से कम गांव से बाहर नहीं जा रहा है, उस परिवार सहित अपने गांव में रहकर यही रोजी रोटी कमा रहा है। जो काम है बहुत अच्छा चल रहा है, यहाँ के मजदूर जो बाहर जा रहे थे उससे कम से कम बच रहे हैं हमारे हर मजदूर। तो आप लोग देख रेख करने आते हैं? बिल्कुल देख रेख करने आते हैं, काम बढ़िया हो रहा है। माने गाँव में लगभग यहाँ पर 150 मजदूरों को काम मिला, आप पीछे यहाँ पर जनप्रतिनिधि पहुँचे हैं देखने, और मजदूरों को यहाँ का रोजगार मिला। जैसे सरकार कहती है कि मनरेगा के तहत मजदूर को काम मिलना चाहिए, यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं और उनको एक रोजगार मिला है, घर जाते हैं, लेकिन यहाँ की ग्राम पंचायत ने एक काम निकाल कर एक पानी का टैंक का एक यहाँ पर काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पर पानी का ही भराव रहेगा। और पीछे जो खेत लगे यहाँ पर, पीछे यहाँ पर खेत में सिंचाई के लिए पानी की यहाँ से व्यवस्था की जाएगी। R9 भारत से संजय गार्ग के साथ कैमरामैन धर्मेंद्र जायसवाल, सिवनी।